अशोक कुमार तिवारी यह नगर निगम काशी की जनता को एक सेवक के रूप में काम करूंगा। कमल खिलाया जनता ने, अब कमल की तरह काशी को खिलाएंगे हम लोग। वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कुछ टुकड़ों में आ रही आवाज, एक बार बोलिए नमः पार्वती पते। आप सभी से अनुरोध है कृपया आप स्थान पर बैठ जाएं। जितने लोग मंच, मैं अनुरोध करता हूं माननीय पुलिस, माननीय विधायक, अशोक कुमार तिवारी यह नगर निगम बरहसिया महापौर निर्वाचित अस्ति। ईश्वरम साक्षी कृत्य सत्यम गिरिरा साक्षिकम भारतस्य संविधानम प्रति श्रद्धा निष्ठा च करिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुता स्थापयिष्यामि एवं च यत पदम अहम ग्रामीण प्रत्य श्रद्धानुवाहम करिष्यामि। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा से वापस आ रहे हैं, याद आ रहा है आज मुझे कि कभी जो अमेरिका मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अमेरिका जाने का वीजा नहीं दे रहा था, आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति काशी के सांसद का ऑटोग्राफ लेने के लिए पूरे मंच से कहता है, छाती चौड़ी हो जाती हर काशीवासी की, नहीं हर भारतवासी की छाती 56 इंच की हो जाती है। यह गौरव का दिन, काशी में दिव्य एवं भव्य बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण में, संलग्न हमारे जो श्रमिक भाई बहनों का, अभिनंदन करने वाले भैया, एक भाई साहब श्रमिकों का पूजन कर सम्मान देने वाले, और काशी के ऐतिहासिक 80 घाट पर स्वयं फावड़ा चलाकर स्वच्छता की शुरुआत करने वाले प्रयागराज के दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान करने के बाद, कुंभ में स्नान करने के बाद वहाँ पर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाकर, कुर्सी पर बैठाकर और स्वयं जमीन पर बैठकर उनके चरण धोकर के उन्होंने जो सम्मान दिया है वह स्वच्छ भारत बनाने का सम्मान है। आज मैं अपना नाम ले सकते हैं अशोक तिवारी जी, यह गंगा का पवित्र जल हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा तो नित्य काशी की स्वच्छता के लिए काम किया ही जाता है, लेकिन मैं स्वयं भी महीने में एक
महीने में एक दिन अपने पार्षद साथियों कार्यकर्ता साथियों के साथ अपने पार्षद और कार्यकर्ता साथियों के साथ काशी को स्वच्छ बनाने के लिए एक दिन स्वच्छता का अभियान हर माह चलाऊंगा और उसमें सभी कार्यकर्ता सहयोगों का मैं साथ लूंगा। बाबा विश्वनाथ जी काल भैरव जी आपको यह कार्य सफल करने की शक्ति दे, यह आप सब लोगों से सब लोग सहमत हो एक दिन का चलना चाहिए। भारत माता की ये हमारे पूर्वजों का पिछले जन्म का कोई पुण्य कार्य होगा कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे संगठन ने टिकट दिया और यहाँ की जनता ने हमें महापौर चुना। ये जीत जो भी है आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जीत है। मैं काशी की जनता को एक सेवक के रूप में काम करूंगा और जो भी मेरे लायक होगा मैं काम करूंगा। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी स्वच्छता रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब यहाँ आए सबसे पहले उन्होंने काशी स्वच्छता किया। मेरा हमेशा एक आगे का उद्देश्य रहेगा कि काशी स्वच्छता में नंबर वन रहे। दूसरा, नगर निगम बनारस एग्जाम की समस्या से कैसे मुक्त हो, नगर निगम की आत्मनिर्भर हो। तीसरा, नगर निगम की जो भी ज़मीनें कहीं अनधिकृत रूप से अगर कोई कब्जा किया हो उसको कैसे मुक्त किया जाए। चौथा, जो 84 गांव जुड़े हुए हैं नगर निगम में उनको कैसे हम शहरीकरण की व्यवस्था जितना जल्द हो सके दें, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। संस्कृत में आपने शपथ ली तो संस्कृत को बढ़ाने के लिए कुछ आगे बताएं? काशी संस्कृत की नगरी है, सनातन की नगरी है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने संस्कृत में शपथ लिया। आप चिंता मत करो, पूरा सामंजस्य है और आगे भी रहेगा, इसकी व्यवस्था करेंगे। गंगा के पार कैनाल बना वो नष्ट हो गया अभी। आप चिंता मत करो, उसकी सब समस्या समाधान करेंगे। इसीलिए तो कमल खिला है, कमल खिलाया जनता ने, अब कमल की तरह काशी को खिलाएंगे हम लोग। आप लोग की नहीं सुन रहे क्या? आप चिंता मत करो, अधिकारी कर्मचारी सब सुनेंगे और चारों तरफ कमल की तरह मेरी काशी खिलेगी। मेरे प्रधानमंत्री जी की काशी खिलेगी, बाबा विश्वनाथ जी की काशी खिलेगी, माता अन्नपूर्णा की काशी खिलेगी, काल भैरव जी की काशी खिलेगी और गंगा मैया के पावन तट पर बसी हुई काशी खिलेगी। के नया संसद भवन देश के लिए गौरव की बात है और 28 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने जा रहा है। नए संसद भवन के विरोध का मतलब है कि देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसके उद्घाटन का विरोध करना। ऐसा लगता है कि जो विरोध करने वाले हैं वह उस संसद भवन में जाना नहीं चाहते। देश की जनता देख रही है, जो संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं तो देश की जनता समझ रही है कि वो सदन उनको स्वीकार नहीं है,